मोहम्मद अंसर साहब ने एक सवाल लिखा, लिखते हैं मुफ्ती साहब ये बताएं कि क्या उशर के पैसे मस्जिद में दे सकते हैं, क्या इस तरह उशर अदा हो जाएगा या नहीं। इस बारे में हुक्म शरीयत जो है कि उशर या किसी भी सदका वाजिबा की रकम मस्जिद में नहीं दे सकते, क्योंकि सदकात वाजिबा जैसे नजर, कफारा, फिदिया और सदका फितर और उशर वगैरह के अदा होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसे किसी मुसलमान गैर हाशमी मुस्तहिक के ज़कात शख्स को बग़ैर किसी एवज़ के मालिक बना कर दिया जाए। लिहाजा अगर उशर की रकम मस्जिद में दी तो उशर अदा नहीं होगा। सदरुशरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, ज़कात के मसारिफ सात हैं, फ़कीर, शरीफ फ़कीर यानी मिस्कीन, आमिल, रिकाब, गुलाम, फ़ी सबीलिल्लाह, इब्नुस्सबील। जिन लोगों को ज़कात देना नाजायज़ है उन्हें और भी कोई सदका वाजबा, नजर व कफ़ारा व फितरा देना जायज़ नहीं। जिन लोगों की नस्बत बयान किया गया कि उन्हें ज़कात दे सकते हैं उन सब का शरई फ़कीर होना शर्त है, यानी वह साहिब निसाब ना हो, सिवाय आमिल के कि उसके लिए फ़कीर होना शर्त नहीं। और इब्नुस्सबील यानी मुसाफिर अगरचे गनी हो, उस वक्त हालत सफ़र में हुक्म फ़कीर में है, बाकी किसी को जो फ़कीर ना हो यानी शरीफ फ़कीर ना हो ज़कात नहीं दे सकते बहार शरीयत और उशर भी नहीं दे सकते। बहार शरीयत जिल्द अव्वल हिस्सा 5 सफ़ा नंबर 930। वल्लाहु आलम अज़्ज़ा वजल व रसूलहु आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।